तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें लॉजिक, एक सेकंड, लॉजिक वो क्या होता है? लॉजिक तो बस मोह माया है। ई ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, ये तो बस फिजिक्स मैया की देन है। इस मूवी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मूवी 1990s, 80s, 70s, 60s, 40s, जब मर्जी आई हो, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना। मूवी का नाम है शपथ और मूवी के हीरो है, आई क्या बोला भाई, अपने मिथुन दा और अबड़ू चाकी दादा। तो जैसा कि अभी हमने देखा, बहुत ही नॉर्मल सा सीन था, एक नॉर्मल सा फाइट सीन चल रहा है जिसमें जाकी दादा ये देखिए पीट रहे हैं लोगों को, लेकिन अचानक से दो लाते उड़ते हुए आई और जाकी दादा ने लातों को पकड़ा और ये बंदे को खिड़की में दे मारा है। ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि 6 फुट हाइट वाले जाकी दादा के मुंह के सामने इस बंदे ने अपनी दोनों लाते दे दी, लो भाई मेरी लाते पकड़ो और मारो मुझे, और जाकी दादा ने ये खिड़की में दे मारा इस बंदे को। अबे, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि दो लोग मिथुन दा पे अंधाधुन सेमी मशीन गन से गोलियां चलाई जा रहे हैं और मिथुन दा के गोलियां लग है लेकिन उनके खून नहीं निकल रहा है, खून के सिर्फ धब्बे लगे हैं, दाग लगे हैं, क्योंकि हम जानते हैं दाग अच्छे हैं। क्या चल रहा है? नहीं बट सीरियसली, गोलियों से तो सिर्फ नल्ले विलन मरते हैं, हमारे हीरो तो मर्द हैं, मैन ऑफ स्टील। हाँ भाई उठो, अरे उठो 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 उठो, चलो चलो चलो, धरती छोड़ने का वक्त हो गया। नहीं मतलब क्या करोगे अब जीके, अगर तुम्हारे ऊपर ऐसे गोलियां चल रही हो और तुम दीवारों पर ना भाग सको तो क्या फायदा है तुम्हारा जीने का? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अलाइव? तो हम देखते हैं कि ये दो गुंडे आते हैं और जाकी दादा पे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक से जाकी दादा को याद आता है, ओह शिट, मैं तो स्पाइडरमैन हूं, मैं तो दीवारों पर भाग सकता हूं, और ये जाकी दादा ने दीवारों पर भागना शुरू कर दिया। काफी अविश्वसनीय सा है ये सीन, लेकिन आपको अपनी आंखों पर विश्वास करना होगा, यही हुआ है। जाकी दादा वो जन्म से ही स्पाइडरमैन वाले गुण लेके पैदा हुए हैं। पंडित जी ने भी बोला था कि एक दिन ये बच्चा बड़ा होगा, स्पाइडरमैन जरूर बनेगा, दीवारों पर भागेगा, और आज जाकी दादा को अपनी शक्तियां याद आ गई है और जाकी दादा देखिए दीवारों पर भाग रहे हैं जाकी दादा। उसके बाद हमारे विलन लोगों ने हार मान ली, इन्होंने बोला कि जब गोलियों से नहीं मर रहे ये मर्द के बच्चे तो चलो तलवारों से ट्राई करते हैं, और फिर ये तलवारें लेकर आए और ये देखिए जाकी दादा को तलवारों से मारने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश तलवारों से मारने की है या जाकी दादा के साथ डांडिया खेलने की, ये समझ नहीं आ रहा है। सनेड़ो सनेड़ो लाल लाल सनेड़ो हो। और ये जाकी दादा की लातों का पंखा चल गया है, विलन को दिख नहीं रहा है कहां से लाते उड़ते हुए आ रही हैं। और इसके बाद जाकी दादा ने एक सिकैस मूव अपनाई, ये विलन को अपनी गोदी में उठा के अले ले मेरा बच्चा नजायज औलाद भाग यहां से। देखा है कहीं इतना इंटेंस एक्शन, ऐसी सिक एज मूव्स ब्रो। और इसके बाद ये जाकी दादा उड़ते हुए विलन की तरफ, लेकिन विलन ने एक बहुत ही बेहतरीन पैतरा अपनाया और हेडबट मारा, और हेडबट के कारण गुलाटी खाकर पलट के गिरे है जाकी दादा। वाओ, नहीं मतलब हेडबट में ऐसी क्या फोर्स ऑफ एनर्जी थी, नहीं फोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसी क्या फोर्स थी कि भाई बंदा उल्टा गुलाटी खा के पलट के गिरा है, मतलब ऐसा क्या था हेडबट में। इसके बाद हम देखते हैं ये मिथुन दा और जाकी दादा भगते हुए आए, लेकिन इनके सामने 6 विलन गुलाटी मारते हुए आए और इन्होंने पता नहीं कहां से बंदूकें निकाली, लेकिन ऑफ कोर्स 2 हीरोज आर ग्रेटर देन 6 नल्ले विलन, और ये हमारे 2 मर्द के बच्चों ने इन 6 नल्लों को छल्ली कर दिया है गोलियों से। और अब हमारी फिल्म का मुख्य विलन आ गया है हमारे मर्द के बच्चों से लड़ने, और ये आके हमारे हीरो लोगों के ऊपर स्प्लिट मारा है, इसने कमाल का पैतरा अपनाया है इसने। लेकिन जो लोग गोलियों से नहीं मरे, तलवार से नहीं मरे, वो गुलशन ग्रोवर के स्प्लिट मारने से तो डेफिनेटली नहीं मरने वाले। तो गुलशन ग्रोवर ने एक कमाल का पैतरा अपनाया, ये बंदा रॉकेट लॉन्चर लेकर आ गया। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से, मतलब लिटरली 2 कदम की दूरी पे भी नहीं खड़ा था वो बंदा, और इसने रॉकेट लॉन्चर मिस कर दिया, या फिर जाकी दादा हमारे मर्द के बच्चे ने डॉच कर दिया, जो भी हो मेरा तो बस एक ही सवाल है, अबे ये चल क्या रहा है?
खत्म भाई खत्म, मेरे अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है, सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। रैंडमली हर जगह आग लगनी शुरू हो जाती है, जैकी दादा के पैर पे आग लग जाती है, जो गैस करिए कैसे बुझेगी, जैकी दादा के हाथ में जो बच्चा है अपने सूसू से उस आग को बुझाएगा, सूसू से, सूसू का इससे अच्छा उपयोग बॉलीवुड ना ही कभी सोच पाए, ना ही कभी सोच पाएगा। और इसी पॉइंट पर मैं बोल रहा हूं तुम्हें आज की वीडियो बस, मेरे से और ज्यादा नहीं होगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक वाले बटन को दबाओ। अगर इस वीडियो पे 12,000 लाइक्स आ जाते हैं तो इसका पार्ट 3 भी बनाऊंगा मैं, पार्ट 1 अभी तुम्हारी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे आ रहा होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस वाले बेल आइकन को दबा देना, और इंस्टाग्राम ट्विटर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन पे फॉलो कर लेना। अगली वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye to everybody.